पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट को टीवी गर्ल कहा जाता है, जो सालों से टीवी की दुनिया में काम कर रही है। जेनिफर अपने हर किरदार में जान फूंक देती हैं। एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी काफी चर्चा में रह चुकी हैं। एक समय था जब टीवी इंडस्ट्री में जेनिफर विंगेट और एक्टर करण सिंह ग्रोवर का नाम एक साथ लिया जाता था। दोनों टीवी इंडस्ट्री के पावर कपल हुआ करते थे। जेनिफर और करण पब्लिक प्लेस पर एक दूसरे पर प्यार लुटाने से पीछे नहीं हटते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेनिफर ने एक बार अपने पति करण सिंह ग्रोवर को सीरियल के सेट पर सबके सामने जोरदार तमाचा मार दिया था। आइए आपको इसकी वजह बताते हैं। टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट करण सिंह ग्रोवर की दूसरी पत्नी थी। इससे पहले करण की शादी श्रद्धा निगम से हुई थी। करण का नाम कोरियोग्राफर निकोल से भी जोड़ा गया था। दावा किया जाता है कि श्रद्धा के बाद करण की जिंदगी में निकोल आई, लेकिन कुछ समय के अंदर ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद सीरियल दिल मिल गए के सेट पर करण कुंद्रा और जेनिफर विंगेट की लव स्टोरी शुरू हुई। साल 2012 में करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली, लेकिन दोनों का रिश्ता चंद दिनों में ही खराब हो गया। जेनिफर विंगेट ने करण सिंह ग्रोवर पर चीटिंग का आरोप लगाया था। दावा किया कि करण को जेनिफर ने रंगे हाथ चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था। इसी वजह से जेनिफर ने गुस्से में आकर करण को जोरदार तमाचा भी मार दिया था। जेनिफर और करण के बीच ये थप्पड़ कांड सीरियल दिल मिल गए के सेट पर हुआ था, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जेनिफर विंगेट को इस बात की भनक लग गई थी कि करण ने एक्स गर्लफ्रेंड निकोल के लिए पत्नी श्रद्धा निगम को भी चीट किया था। हालांकि करण और जेनिफर के बीच चीजें ठीक होने लग गई थी, लेकिन फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर तमाशा हो गया। करण और जेनिफर की 2 साल की शादी में यह पूरा ड्रामा हो गया। इसके बाद दोनों साल 2014 में तलाक लेकर अलग होने का उन्होंने फैसला कर लिया। करण से तलाक के बाद जेनिफर अपनी लाइफ में अकेली खुश है, लेकिन करण सिंह ग्रोवर ने बिपाशा बसु संग साथ फेरे लिए। दोनों की अब एक बेटी है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।